थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में नाला बहाने के विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना तकरीबन एक महीने पहले की है जब यह मारपीट का मामला हुआ था। आज उसकी मौत के बाद पहाड़पुर में जमकर हंगामा हुआ। आरोपी के घर पर लोगों ने तोड़फोड़ भी की। घटना की जानकारी मिलते ही महुआ SDPO समेत कई थानों की पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गई। चूंकि मामला दो समुदाय के बीच था और इसी को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। काफ़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच भी काफ़ी नोकझोंक हुई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस वहां आनन-फान में पहुंच जरूर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आक्रोश शांत होने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर मशक्कत के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नाला के पानी ही जो है सो छाँक जो है सो बहता था। फिर आया, फिर गाली बाली देने लगा कि जब फिर जैसे इसमें पानी गिराता है नाला उला में सब जैसे हमारा खेत में बहता है। जो मोहम्मदन का ही पानी आता है दक्षिण की ओर से, वो सामने जो देखने की चीज़ है, वह जो है सो इतना हमसे बात कर रहा था और पीछे में उसका आदमी छिपा हुआ था और हम लोग बथान से लेकर के घर तक थे। मेरा आगे में घर है, पीछे में बथान है, उसी का साइड में उसका ज़मीन पड़ता है। वह जो है सो पीछे में एक झोपड़ी है, एक अली मियाँ है, उसको घर से लेकर के झोपड़ी तक छिपा हुआ था। जब जो एक दफे जब ये उधर से जैसे दौड़ा तो देख कर भाई ये क्या, वो हम लोग को कोई भागने का भी रास्ता नहीं दिया। अने एक एक करके घींच खींच करके जो है सो मारना जैसे शुरू किया, जिसमें जो है सो मेरा चार बेटा जो है सो तीन बेटा मेरा घायल, इसका कपार कटा और किसी का जो है सो खांसी वाला छुरा से कटा, मेरा पत्नी का बाँह जो है सो खांसी वाला छुरा से कटा। और वो जो है सो हमने जो है सो हमको टार करके ये सब जैसे दूसरे लड़का सब जो है देखने वाला औरत सब था, वो सब जैसे घींच घाच करके इधर कर दिया कि जी आप ले जाइए सब बढ़ जाइएगा।